हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऑब्सेशन मूवी को, जिसकी कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर बेस्ड है जिसकी शादी एक बूढ़े आदमी के साथ हो जाती है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसे सेटिस्फाइड नहीं कर पाता, जिस वजह से उसकी अफेयर एक गैरेज मिस्त्री के साथ हो जाता है। और मूवी के एंड होते होते हमें और भी कई सारे ट्विस्ट देखने को मिलता है। तो मूवी की शुरुआत में हम सनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सारा दिन ट्रेवल करके एक शहर में आता है। दरअसल वो वहाँ पे एक बड़े गैरेज में जॉब की तलाश में आया था, लेकिन उसे आने में काफी देर हो गया था, जिस वजह से उसे वो जॉब नहीं मिलता। अब रात में सनी वहीं पर ही भटकता रहता है, क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो एक होटल में रह सके। इसीलिए वो रेस्ट करने के लिए रोड के साइड में एक बेंच पर बैठ जाता है। अब कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी अपने कार को लेने के लिए वहाँ पर आता है, लेकिन तभी एक चोर उसके ऊपर अटैक कर देता है। उधर सनी भी ये सब कुछ देख रहा था और वो उस बूढ़े आदमी की मदद करता है, जिस वजह से वो चोर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस भी पहुँच जाते हैं, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी का नाम है जॉर्ज। अब जॉर्ज पुलिस से उस चोर के बारे में डिस्कस कर रहा था, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉर्ज की खूबसूरत वाइफ लरिसा आती है। इसके बाद जॉर्ज लरिसा को सनी से मिलाता है, और क्योंकि सनी ने उसका जान बचाया था, इसीलिए वो लोग सनी को अपने घर में डिनर करने के लिए लेकर जाते हैं। अब डिनर करते वक्त जॉर्ज सनी से उसके बारे में पूछता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि सनी एक गैरेज में काम के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन उसे जॉब नहीं मिली। और तभी उसे याद आता है कि उसके गैरेज में एक आदमी की जरूरत है, इसीलिए जॉर्ज सनी को अपने गैरेज में काम करने के लिए ऑफर करता है, जहाँ पर वो उसे काफी अच्छा सैलरी भी देता है। इधर सनी भी उसके गैरेज में काम करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि उसे एक काम की जरूरत था। इसके बाद जॉर्ज सनी को उसके गैरेज में ही एक रूम देता है, जहाँ पर वो काम करके रह सकता है। अब रात में लैरिसा जॉर्ज से सनी के बारे में पूछती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि लैरिसा सनी के आने पर खुश नहीं थी। उधर हम दूसरी तरफ सनी को भी देखते हैं, जो दरवाजे के पीछे से उन दोनों की बातें सुन रहा था। इसके बाद अगली सुबह जॉर्ज सनी को उसकी गैरेज दिखाकर उसका जो भी काम होगा वो उसे समझाता है। तभी वो सनी को उसका एक प्रोजेक्ट दिखाता है, जिसके ऊपर वो काफी दिनों से काम कर रहा था। दरअसल जॉर्ज इस गाड़ी को लैरिसा को गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन ये गाड़ी अभी तक तैयार नहीं हुआ था। अब इसके बाद से सनी जॉर्ज के गैरेज में काफी मन लगाकर काम करता है, जिससे वो जॉर्ज की दिल जीत लेता है। इसी बीच हमें ये भी देखने को मिलता है कि जब सनी गैरेज में काम कर रहा होता है, तब लैरिसा उसे छुपकर देख रही होती है। और कुछ ही दिनों में सनी को भी ये बात पता चल जाता है कि लैरिसा उसके ऊपर नजर रखती है। इसके बाद लैरिसा एक दिन सनी के पास आकर कहती है कि वो उसे गंदे नजरों में देखना बंद करे, वरना वो काम से उसे निकाल देगी। लेकिन सनी को उसके बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब कुछ लैरिसा ने ही पहले स्टार्ट किया था। इसके बाद रात में सनी जॉर्ज के घर पर डिनर करने के लिए जाता है, और जॉर्ज जब वहाँ से चला जाता है, तभी सनी लैरिसा को सेड्यूस करने लगता है। इसके बाद अगली सुबह सनी काफी खुश था, क्योंकि उसे जॉर्ज की कार की कार्बोरेटर मिल गया था, जो कि जॉर्ज काफी दिनों से ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिल रहा था। इसी बीच जॉर्ज जब कार्बोरेटर लाने के लिए जाता है, तभी लैरिसा सनी के पास आ जाती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद थोड़ी देर में जॉर्ज नया कार्बोरेटर लेकर वहाँ पर आ जाता है, और सनी उस कार्बोरेटर को कार में फिट कर देता है। अब जॉर्ज उस कार की एक टेस्ट ड्राइव लेता है, और इसके बाद वो उस कार को अपनी बीवी लैरिसा को गिफ्ट कर देता है, जिसको पाकर लैरिसा काफी खुश हो जाती है। इसी बीच रात में सनी और जॉर्ज जॉर्ज के घर पर शराब पी रहे थे, जहाँ पर उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातें भी हो रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर जॉर्ज शराब पीते पीते बेहोश हो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर सनी लैरिसा के पास जाता है, और वो दोनों काफी करीब आते हैं। अब करीब आने के बाद सनी लैरिसा से पूछता है कि उसने जॉर्ज के साथ शादी किस लिए किया, जिसमें लैरिसा उसे बताती है कि पहले वो एक होटल पर काम करती थी, और वो काफी गरीब घर की लड़की थी, और उसने जॉर्ज के साथ शादी इसलिए किया ताकि वो जॉर्ज की दौलत पे ऐश कर सके। इसी बीच वो सनी से ये भी कहती है कि वो उसके साथ भागने के लिए भी राजी है। इसके बाद अगले दिन जॉर्ज सनी को एक खुले जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर जॉर्ज सनी से कहता है कि इस जगह से होकर कुछ ही दिनों में सिटी में जाने वाला हाईवे बनेगा, जिस वजह से इस जगह का जमीन का प्राइस काफी ज्यादा हो जाएगा, और वो पहले से ही प्रॉफिट के लिए वो जमीन खरीद लिया है। इसी बीच वो सनी से ये भी कहता है कि वो कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक पार्क बनाना चाहता है, जिससे उसे काफी प्रॉफिट होगा। अब सनी ये सब कुछ लैरिसा को भी बताता है, और उन दोनों के बीच प्लान होता है कि वो लोग जॉर्ज को मारकर उसकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे। इसके बाद रात में सनी जॉर्ज को किस तरीके से मारा जाए, इसके बारे में सोचने लगता है। अगले दिन जॉर्ज लैरिसा को जब अपने पार्क के प्लान के बारे में बताता है, तब वो दोनों खुश होकर एक दूसरे को हग करते हैं, और उधर सनी भी ये सब कुछ देखकर जल रहा था। इसके बाद कुछ ही दिनों में जॉर्ज के पार्क का काम शुरू हो जाता है, और उधर सनी और लैरिसा घर पर इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पर सनी जॉर्ज को मारने के लिए एक प्लान बनाता है, जिसमें वो जॉर्ज को इस तरीके से मारना चाहता था ताकि उसे दिखने में एक्सीडेंट लगे। इसीलिए वो जॉर्ज को मारने के लिए एक ट्रैप बनाता है, जहाँ पर वो जॉर्ज को ट्रैक्टर के नीचे लेकर आएगा, और उधर दूसरी तरफ से लैरिसा को लीवर खींचनी होगी, जिससे वो ट्रक नीचे गिरकर जॉर्ज को बहुत ही बुरी तरीके से कुचल देगा। इसके बाद एक दिन सनी जॉर्ज को अपने मदद के लिए बुलाकर लाता है, और उधर दूसरी तरफ लैरिसा भी वहाँ पर आ जाती है, और वो लीवर खींचकर जॉर्ज को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है।
जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्ज तो मर चुका था, साथ ही साथ सनी के हाथ भी उस ट्रक के नीचे आ गया था। इसके बाद सनी लैरिसा को शॉपिंग करने के लिए भेज देता है ताकि पुलिस को इस बात का शक न हो कि वो दोनों ने प्लान करके जॉर्ज को मारा है। इधर सनी पुलिस को भी कॉल करता है और थोड़ी देर में लैरिसा जब शॉपिंग कर रही थी तभी पुलिस उसे कॉल करके उसके पति की मौत के बारे में इन्फॉर्म करता है। अब घर आने पर लैरिसा की मुलाकात डिटेक्टिव क्रॉफर्ड से होती है जो उसे बताता है कि जॉर्ज एक एक्सीडेंट में मारा गया, जिसको सुनकर लैरिसा क्रॉफर्ड के सामने ड्रामा करने लगती है। इसके बाद रात में क्रॉफर्ड उन दोनों के ऊपर शक करने लगता है और वो सोचता है कि शायद उन दोनों ने मिलकर जॉर्ज को मारा होगा। इसके बाद अगले ही दिन क्रॉफर्ड सनी से पूछताछ करने के लिए आता है, जहाँ पर सनी क्रॉफर्ड से कहता है कि उनका गैरेज काफी पुराना है जिस वजह से वो लीवर फिसल गया और जॉर्ज की दबकर मौत हो गई। अब ये सब कुछ सुनकर क्रॉफर्ड वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो दूर से उन दोनों के ऊपर नजर रख रहा था। इधर जॉर्ज के मर जाने के बाद उन दोनों को काफी प्राइवेसी मिल रहा था, जिस वजह से उन दोनों की रिलेशन काफी अच्छा चल रहा था। इसी बीच लैरिसा कंस्ट्रक्शन की काम भी शुरू कर देती है जो कि दरअसल जॉर्ज का सपना था। इसके बाद एक दिन क्रॉफर्ड सनी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाता है और लैरिसा उसे छोड़ने के लिए जाती है, लेकिन क्रॉफर्ड का प्लान कुछ और था। क्रॉफर्ड उन दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाकर खुद जॉर्ज की गैरेज को चेक करने के लिए जाता है। इसी बीच उसे इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान ऐसा लगता है कि शायद सनी ने ही उस लीवर को एक रस्सी की मदद से खींचा है जिस वजह से जॉर्ज की मौत हुई है। उधर हम दूसरी तरफ सनी को देखते हैं जो कि अभी भी पुलिस स्टेशन में क्रॉफर्ड की इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर क्रॉफर्ड आकर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। वो सनी को बताता है कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि जॉर्ज के ऊपर 2 बार ट्रक गिराकर उसे मारा गया है। अब क्रॉफर्ड की इन सारी सवालों से सनी भी फंस चुका था, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। इसके बाद क्रॉफर्ड उसे छोड़ देता है और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सनी और लैरिसन करीब आ रहे थे। उस रात वो दोनों काफी बातें करते हैं और इसी बीच लैरिसन सनी से कहती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब सनी इस बात से काफी खुश हो जाती है और रात में लैरिसन जब सो जाती है तब हम देखते हैं कि वो कुछ सोचने लगता है। इसके बाद अगले ही दिन सनी क्रॉफर्ड के पास जाकर कहता है कि उसने ही प्रॉपर्टी के लिए जॉर्ज को अकेला ही मारा है और इसीलिए उसकी जेल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ हम लैरिसन को देखते हैं जिसको नींद से उठने के बाद एक लेटर मिलता है जो कि दरअसल सनी ने ही उसके लिए छोड़ कर गया था। उस लेटर को पढ़ने के बाद लैरिसन को पता चलती है कि सनी ने उसके बच्चे और लैरिसन के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया है। दरअसल सनी बचपन में एक अनाथालय में बड़ा हुआ था और वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के जेल जाने के बाद उनका बच्चा एक अनाथालय में बड़ा हो और इसीलिए ही वो अपने फैमिली के लिए अपने लाइफ को सैक्रिफाइस किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि लैरिसन जॉर्ज की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देती है जिससे वो काफी अमीर हो जाती है और ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लैरिसन सनी को अभी भी लेटर लिखा करती थी और साथ ही वो अपने बच्चे की फोटोज को भी उसे भेजा करती थी। लेकिन मूवी के आखिर में हमें और एक मेजर ट्विस्ट देखने को मिलता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो सनी को फोटोज भेज रहा था वो दरअसल उसके बच्चे की नहीं थी। दरअसल लैरिसन ने सनी से जो कुछ भी कहा था वो दरअसल झूठ था। और यहाँ पर हम उस चोर को भी देखते हैं जिसको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था जॉर्ज को मारते हुए, जिसको देखकर हमें इस मूवी की पूरी कहानी समझ में आ जाता है। असल में लैरिसा सनी से नहीं बल्कि उस चोर से ही प्यार करती है और मूवी के स्टार्टिंग में वो चोर जॉर्ज को लैरिसा के कहने पर ही मारने आया था, लेकिन सनी ने जॉर्ज को बचा लिया था और इसके बाद लैरिसा ने सनी को अपने प्यार के जाल में फंसा कर जॉर्ज को मरवाया। और आखिर में क्या कुछ हुआ वो तो आपने देख ही लिया। सनी नहीं चाहता था कि उसका बच्चा भी उसके तरह अनाथालय में बड़ा हो। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि सनी को जॉर्ज के मर्डर के केस के लिए फांसी देने के लिए लेकर जाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी की कहानी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके भाई को जरूर सपोर्ट करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।